स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके की तैयारी की गई? एक्चुअली ओडिशा का स्थिति थोड़ा अलग है, वहाँ 23% फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी टोटल पॉपुलेशन का, तो हमारा एक एमएलई पॉलिसी भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि 62 ट्राइबल ग्रुप्स है हमारा, तो अराउंड 30 ट्राइबल लैंग्वेजेस आर देयर एक्सक्लूडिंग ओडिया लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज है, तो एक तरफ का एक मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी है जहाँ मदर टंग बेस्ड एजुकेशन देना है गवर्नमेंट को, देन दूसरा तरफ गवर्नमेंट हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल सेटअप करने के लिए जा रहा है, ऑलरेडी दे हैव सेट अप मोर देन 100 मॉडल स्कूल्स, नाउ दे आर ट्राइंग टू सेट अप इन ऑल ब्लॉक्स एक्चुअली, तो जो मॉडल स्कूल है वो सब CBSE एफिलिएशन है, तो सब इंग्लिश मीडियम है, तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी मदर टंग बेस्ड एजुकेशन के लिए एडवोकेसी कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गवर्नमेंट खोल रहा है, वो कंट्राडिक्शन है, लेकिन हम क्या करेंगे वो भी एक हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर लेवल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्चुअली इंग्लिश लर्निंग के लिए मदर टंग बेस्ड एजुकेशन चाहिए वो पता हमको नहीं है कि वो इनिशियल ईयर्स में मदर टंग में होगा तो बाद में इंग्लिश अच्छा होगा उनको, तो पेरेंट्स को भी पता नहीं है, देन इंग्लिश अच्छा होने के लिए उनको इंग्लिश अच्छा टीचर चाहिए, इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए, वो भी पता नहीं है एक्चुअली, वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम शुरू से कर देंगे तो इंग्लिश आप मैंने क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो कि एक्चुअली ठीक नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि RTE फोरम का तरफ से हम कैसे पेरेंट्स को मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स का भी डिमांड हो रहा है ना, तो पेरेंट्स का डिमांड मिडिल क्लास का ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो मिडिल क्लास का डिमांड होगा तो गवर्नमेंट तो सेटअप करेगा, क्योंकि उनका तो पॉलिटिकल मोटिवेशन है, तो इसीलिए एक्चुअली हमारा जो RTE फोरम का नेशनल लेवल RTE फोरम का स्टेट लेवल का फोरम जो है सबका बहुत बड़ा रोल है, उनको प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा डिसमिडम हो जाएगा, जो कि पूरा एक्सक्लूजन के लिए हमारा रास्ता खुल जाएगा। धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंग्लिश को पढ़ाना